घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। धनी रे सा गरे ग सरे मे सा धनी रे सा गरे निरे रे ममा ध प ग सरे सा नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है, इसमें जो टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल से और टाइटल से देख लिया होगा कि मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश करूंगा आज आपको, हमारे संगीत में जो हम सीखते हैं शास्त्रीय संगीत, उसमें कई म्यूज़िकल ऑर्नामेंट्स होते हैं, कई अलंकार जिसको हम कहते हैं, आभूषण जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं, जिसमें कि गमक, खटका, मुरकी, हरकत, मींड, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी गायकी को खूबसूरत बनाती है। एक तो हम सीधे सीधे स्वरों का प्रयोग करें और एक हम उन आभूषणों के साथ स्वरों को लगाएं, मात्रा, निश्चित मात्रा में, जाहिर सी बात है, तो बड़ी ही खूबसूरत हमारी गायकी जो है वो लगने लगती है। यानी दो स्वरों को, उनका जो संवाद है, उनमें एक आकर्षण पैदा हो जाता है। जब दो स्वर लगते हैं, सा से ग लगाया, रे से म लगाया, सा से प लगा, तो उनमें अगर मींड, गमक, खटका, मुरकी, इनमें से कुछ लगा हुआ है, जाहिर बात है कि सिचुएशन अनुसार कौन सी राग चल रही है उस अनुसार, या वहाँ कौन सा स्वर संगति है उसमें क्या लगना चाहिए उस अनुसार, तो बड़ा ही खूबसूरत वो संवाद जो है वो हो जाता है। तो आज उन्हीं में से, आज हम, जैसे कि मैंने गमक के रियाज के लिए आपको चीज़ें बताई है, खटका मुरकी के लिए आपको अलंकार बताए हैं, उसी प्रकार से आज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मींड के ऊपर आपको एक अलंकार बता सकूँ, एक पैटर्न बता सकूँ, जिससे आप मींड का रियाज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जहन और हमारे गले दोनों में मींड जो है वो बैठ जाएगी और फिर जहाँ हमें जितनी चाहिए उतनी हम लगा सकें। आभूषण वैसे भी उतने ही पहनने चाहिए जितने की ज़रूरत होती है। आप पूरा आभूषणों से सज जाएंगे तो बड़ा ही भद्दा लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार से गायकी में गमक, मींड, खटका, मुरकी, ये बारीकी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। तो आज हम उसका रियाज समझेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको गायकी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो मींड के बारे में अगर हम जानें, तो मींड एक कर्व होता है गायकी में, दो स्वरों के बीच का एक कर्व होता है कि एक स्वर से दूसरे स्वर पर एक तो हम जंप करके डायरेक्ट जाते हैं और एक उसमें एक कर्व लगाते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, सा से पंचम पर जा रहे हैं, सा प प सा, ये सीधे सीधे स्वर हमने लगाए हैं, सीधे सा से सीधा पंचम हमने जंप किया। अब इसमें जो मींड का अगर प्रयोग करें तो सा प प सा, ये आपने देखा एक इंद्रधनुष आपने महसूस किया होगा बना है। तो ये दो ढंग से होता है मींड भी, दो प्रकार से आप ले सकते हो। एक उसी नोट पर सा, अगर आपका प्रथम जो स्वर है उस पर वही स्वर बोलकर, वही अक्षर बोलकर, और जिस स्वर पे आप जाने वाले उसका अक्षर भी उसी स्वर पर बोलकर उसको खींच के आप वहां तक ले जाओ। यानी सा प है तो सा प उस नोट तक ले जाओ, या फिर यह है कि सा को खींच के वहां तक ले जाओ और वहां दोनों स्वर बोलो सा प, है ना। एक तो है सा प और एक सा प, ये दो प्रकार से आप कर सकते हो। दोनों प्रकार से मैं आपको करके दिखाता हूं। सा प और सा प, है ना, आप देख सकते हैं जिसमें प सा प प। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीच के जो रेगा म है वो लग रहा हो सा प, ऐसा नहीं हो रहा है।
षड़त से पंचम तक की एक हल्की सी कर्व है, आप थोड़ा सा उसको खींच के छोड़िए, हो जाएगा वो। उसके लिए हम आज एक रियाज करेंगे, अलंकार हम समझेंगे, जैसा कि स्वरांगिनी द म्यूजिक बुक ऑफ संगीत प्रवाह वर्ल्ड है उसमें जो दूसरे पेज का अलंकार है जिसमें कि लीपिंग एक्सरसाइज है, यानी स्वर छोड़ छोड़ के जो अलंकार होता है, जिसमें सा ग रे मा ग प म ध प नि ध सा, ये जो है, फिर दो छोड़ेंगे सा मा रे प ग ध म नि प सा, है ना, फिर तीन छोड़ो सा प रे ध ग नि म सा, फिर चार छोड़ो सा ध रे नि ग सा, फिर पांच छोड़ो सा नि रे सा, है ना, सा सा, ऐसे करके हम इस पेज का निर्माण किया हुआ है कि एक 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 छोड़ते हुए हम करते हैं। इसको स्टैंडिंग नोट्स के साथ भी रियाज कीजिए, यानी खड़े खड़े स्वर लगाकर सा ग रे मा ग प, ये रियाज भी पहले कर लीजिए अच्छे से। जब खड़े खड़े स्वर लग जाते हैं तब उनमें आभूषण अगर आप लगाते हैं तब जाके खूबसूरती आती है। आप कोशिश करेंगे कि पहले ही मैं वो खूबसूरती लाऊं, वो आभूषण पहले पहन लूं, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमारे शरीर पर भी पहले शरीर अगर अच्छा होता है फिर हमारे जो आभूषण हम उन पर चढ़ाते हैं तो शरीर सुशोभित होता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो शोभा बढ़ाने के लिए पहले शोभा होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए सादगी पहले ज़रूरी है। जब सादगी में कुछ आभूषण लगते हैं तो एक बात ही अलग होती है, उसकी फिर खूबसूरती तब आती है जब पहले सादगी हो और फिर आप कुछ आभूषण लगा रहे हो। यानी सादे स्वर यानी खड़े स्वर पहले लगाना आवश्यक है। सा रे ग मा प ध नि सा, ये मैंने सीधे सीधे गाए, सा रे, ये छोटी सी मीड थी सा रे, जिसको हम स्पर्श भी कह सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है वो हर जगह लगे, हर राग में हर स्वरूप अनुसार लगेगा कि इसमें सा रे ग, इसमें सा रे, रे पर तो कर्व है लेकिन ग ग सीधा है, सा रे ग प सा रे ग, है ना। अब इसमें गंधार पे अगर मीड आई तो पंचम की आई ग, लेकिन ऋषभ पे आई थी तो ग की आई थी सा रे। तो ये चीज़ें भी समझने की है कि कौन सी राग में कौन से स्वरों की समूह लिया जाता है और उसमें मीड कैसे प्रयोग आती है ना। तो अलंकार देखें तो सारे रे ग म प प ध ध नि नि सा जो अलंकार है, तो उसमें अगर हम जाएंगे और उसमें मीड का प्रयोग, पहले तो सीधा गाएंगे तो सारे रे ग ग म म प ऐसे जाएगा, लेकिन मीड के साथ सारे सारे, उसी पर ऋषभ बोल लेना है सारे रे ग, है ना, रे पे ही ग बोल लिया रे ग ग म म प प द नि 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 सा, है ना, उस स्वर को बोल के फिर अगला स्वर, जैसे कि सा रे रे ग ग म म प प द ध नि नि सा नि नि द ध प प म म ग ग रे रे सा, है ना। और जो दूसरे तरीके से बताया सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा, है ना। इसका पहले अच्छे से अभ्यास कर लें इसी एक ही अलंकार का, फिर आगे बढ़ें सा ग रे म जाएंगे सा ग, है ना, एक स्वर बीच में छूटा है जो है ऋषभ सा ग रे। अब यहाँ हम यूं करेंगे कि ऋषभ पर भी वापस आएंगे तो गंधार से ऋषभ पर आने की मीड हम ले लेंगे। वैसे इसको सिंपल गाएं तो सा ग
रे मा, गा पे छोड़ दिया और रे से नई शुरुआत करी। एक ये पैटर्न है, सा गा रे मा गा पा मा दा पानी धा सा सा दा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा, है ना। और एक सा गा रे मा गा पा, पिछले स्वर पर भी हम मीण लेके आ रहे हैं। एक ये तरीका है, ठीक है। अगला गाएं तो सा मा रे पा, है ना। एक बार इसमें कर लें अभ्यास, क्योंकि इसमें एक बीच में स्पेस मिल जाती है दूसरे स्वर पर खड़े होने की, है ना। सा मा रे पा गदा मनी पसा सा पा, है ना। आप चाहें तो अवरों में सा पनी मा धा गा पा रे मा सा, ये भी कर सकते हैं, है ना। सा पा रे दा गनी मा सा सा मा नी गा धारे पासा साधा रे नी गसा सागा नी रे धसा सानी रे सा रे नी सा 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 सा, है ना। इसको और अगर आप बढ़ाना चाहें इतना तो आप करिएगा, फिर अगर रेंज आपकी अच्छी हो जाए नीचे ऊपर तो इसको वैसे भी कर सकते हैं कि सप्तक टू सप्तक आप एक एक स्वर बढ़ने की कोशिश कीजिए जितने बढ़े जाएं। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 पा, है ना। ऐसे भी बढ़ा सकते हैं सेम खरज में भी, नी 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 नी, है ना। जैसा भी आप जितनी भी आपकी रेंज हो वैसा कर सकते हैं। अलग अलग थाटों में कीजिए इसको, भैरवी में जैसे सा गा रे मा गा पा मा दा पनी दा सा, है ना। तोड़ी में सा मा रे पा गदा मनी पसा, अलग अलग थाटों में अलग अलग लयों में इसका आप रियाज कीजिए तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपके जो गले में ये मींड जो है बैठ जाएगी। फिर अगर हम इसे कहीं गायकी में देखें कि कैसे आ सकती है, तो मैं भैरवी का ही एग्जांपल लेकर एंड करूंगा इस वीडियो को। अब इसमें मीड और मुर्की का दोनों का मिश्रण था, आपने देखा पगा। अब ये आकार में गया तो आ, अब इसमें गंधार मैंने उसी पर बोला था आ, यहाँ पे हल्का सा ऋषभ कण में है ना, यहाँ पे हल्का सा ये जो मुर्गी आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे अलंकारों को गाने से बैठ जाती है गले में, और मीड के साथ फिर इसका ये सुशोभित। अब इसको ये बड़ा ही सीधा सीधा था, है ना। सादगी है इसमें लेकिन बड़ा खड़ापन है, राग नहीं खिल रही है इसमें। आ, 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 हल्की सी मीड है आ, रे,
ना, तो इससे खूबसूरती आप ला सकते हैं अपनी गायकी में, और जितनी जितनी जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप इस रियाज को। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोज़ ऑन, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एंड जितने भी हमने रियाज बताए हैं अलग अलग, मींड के, गमक के, मुर्की के, मूर्छना के, सप्तक के, वो सब आप कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका गला बेहतर होगा। और जहन में संगीत को बिठाए रखें हमेशा, गला और दिमाग दोनों जब बैलेंस में चलेगा तो गायकी अच्छी होगी। धन्यवाद।